तहसील माधोगढ़ के सभागार कक्ष में उप जिला अधिकारी सालिक राम की अध्यक्षता में समस्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। समस्याओं में लिपटे 18 पीड़ित फरियादियों ने अपनी समस्याओं का बखान कर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें महज 2 फरियादियों की समस्याओं का समाधान हो सका। अन्य समस्याओं को जांच पड़ताल कर आगे कार्यवाही की ओर निर्देशित किया गया। शासन ने लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए तहसील दिवस शुरू किया था। इस योजना के तहत हर महीने के दूसरे मंगलवार को तहसीलों पर प्रशासन और पुलिस के साथ साथ सभी विभागों के जिम्मेदार अफसरों की मौजूदगी में जनता की समस्या सुनी जाती है। उनकी समस्याओं को मौके पर या फिर निश्चित समय पर निस्तारण किए जाने का प्रावधान है, मगर तहसील दिवस की सच्चाई ये है कि उसे तहसील दिवस की जगह पीड़ित तसल्ली दिवस कहने को मजबूर हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, नायब तहसीलदार चंद्रकांत तिवारी, विकासखंड अधिकारी ओम प्रकाश द्विवेदी, दीपक यादव, कोतवाल बीएल यादव, गोहन थाना अध्यक्ष राजीव वैश्य, रामपुरा थाना अध्यक्ष जेपी पाल, थाना अध्यक्ष रेडर शैलेंद्र कुमार, राज बहादुर और आदि अधिकारी मौजूद रहे। आज 18 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुई, जिसमें सिद्धू का मौके पर निस्तारण कर दिया गया और शेष प्रार्थना जैसा कर सर देखने में आ रहा है कि काम हुआ उस हो सकता है इसका प्रभाव पड़ा हुआ यहाँ पर मौके निस्तारण किया जा सकता है। संबंधित विभागों से कहा गया डिफॉल्टर नहीं होने देंगे और तत्काल निस्तारण देंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।